वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री। तो इन चारों में से कौन सा पेयर है जिसका सोल्यूशन जो है एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाली पेयर देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव। तो यहाँ टू है तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। और यहाँ वन है तो इसको मल्टीप्लाई वन मीन्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो टू से मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू। और यहाँ वन से मल्टीप्लाई करना है तो दैट विल बी सेम, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव। नाउ एलिमिनेशन मेथड जानते हो दैट साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइन के। सो माइनस प्लस प्लस, तो टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू वाई प्लस थ्री वाई इज फाइव वाई, दैट इज़ टू प्लस फाइव इज सेवन। सो वैल्यू ऑफ वाई इज सेवन बाई फाइव। आनी क्या चाहिए थी, वाई इक्वल टू माइनस थ्री। सो दिस इज नॉट, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में देखो, टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस इलेवन, यहाँ टू एक्स है और यहाँ फोर है, ठीक है। तो यहाँ इसको फोर एक्स करने के लिए एक तो तरीका ये है, जस्ट मल्टीप्लाई बाई दिस बाई फोर एंड द सेकेंड इक्वेशन बाई टू, ऐसे ही कर लो। चलो छोड़ो, फोर से मल्टीप्लाई करो, फोर टू ज़ा एट एक्स एंड फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी वाई एंड माइनस फोर्टी फोर। और यहाँ से आएगा टू फोर ज़ा एट एक्स एंड ट्वेंटी वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू टू ज़ा माइनस फोर्टी फोर। क्या होगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, दिस कैंसिल दिस कैंसिल दिस कैंसिल, इसमें जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हुआ, जीरो इक्वल टू जीरो क्यों आया, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो थर्ड पेयर को हम सोल्व करते हैं, दैट इज़ टू एक्स माइनस वाई, है ना, ये वाले पेयर को सोल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टू, एंड फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई थ्री, ठीक है। तो करो, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स एंड थ्री वाई, और थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया, थ्री इक्वल टू थ्री। इसको टू से करते हैं, टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स एंड फिर कौन मल्टीप्लाई होगा, टू टू ज़ा फोर वाई इक्वल टू टू मल्टीप्लाई ज़ीरो विल बी ज़ीरो। कैंसिल करो, माइनस माइनस, और यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया, माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई दैट इज़ माइनस सेवन वाई विच इज़ इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज़ थ्री बाई माइनस सेवन और माइनस सेवन बाई थ्री। तो ये भी नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, y इक्वल टू माइनस थ्री। तो लास्ट ऑप्शन डी, डी में देखो, डी में मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, देखो यहाँ फाइव एक्स है तो मल्टीप्लाई बाई फाइव, और यहाँ वन एक्स है मल्टीप्लाई बाई वन, ठीक है। चलो करो, तो फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव एक्स, फाइव मल्टीप्लाई फोर माइनस ट्वेंटी वाई एंड फाइव मल्टीप्लाई फोर्टीन, फोर्टीन फाइव ज़ा सेवेंटी, माइनस सेवेंटी उधर लेके जाते हैं, प्लस सेवेंटी हो गया, राइट हैंड साइड में ले गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई वन मीन्स सेम, फाइव एक्स माइनस वाई, फाइव एक्स माइनस वाई एंड थर्टीन गोज़ टू राइट हैंड साइड, दैट विल बिकम प्लस थर्टीन। तो साइन चेंज कर देते हैं, दैट विल बी कैंसिल्ड, तो माइनस ट्वेंटी वाई प्लस वाई दैट इज़ माइनस नाइनटीन वाई, ठीक है। और यहाँ सेवेंटी माइनस थर्टीन दैट इज़ फिफ्टी सेवन, तो वाई इक्वल टू आएगा फिफ्टी सेवन एंड नाइनटीन गोज़ टू माइनस नाइनटीन गोज़ टू डिवाइड, सो नाइनटीन थ्री ज़ा फिफ्टी सेवन, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री आया भाई, वाई इक्वल टू माइनस थ्री। चलो चेक कर लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। जस्ट पुट वाई इक्वल टू माइनस थ्री इन द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड से निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, सेकेंड से निकालते हैं। तो फाइव एक्स, सेकेंड इक्वेशन इज़ फाइव एक्स माइनस वाई एंड वैल्यू ऑफ वाई इज़ माइनस थ्री, दैट इज़ इक्वल टू थर्टीन। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस थ्री गोज़ टू
plus 3 goes to minus 3, and that will be 5x equal to 13 minus 3 is 10, and x equal to 10 divided by 5, and x equal to 2. So this pair has solution x equal to 2 and y equal to minus 3. So this is our answer. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.